प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या थीम है, और जो कास्टिंग किया आपने, बाकी अग्रजी तो पहले से काफी पॉपुलर है इंडस्ट्री में, और जो नए जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो लीड मेल आर्टिस्ट, उनके बारे में बताइए। सबसे पहले भोजपुरी दर्शक नमस्कार है। मैं भोजपुर से पिक्चर्स करने का कंप्लीट हो गया 11 साल पहले आ गया। यही दिनेश लाल यादव पाकी हेगड़े के लेके कैसा कहीं दोहरा से पैक हो गया, पिक्चर से शुरू हो गया भोजपुर में मेरा लाइफ। वहां से सिवा आखिरी रास्ता निर्माण सब बहुत फिल्म किया, अभी तक 13 फिल्म कंप्लीट हो गया। दर्शक लोग बहुत मेरे को रिसीव किया, इसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उनके बाद दिनेश लाल यादव के नहीं है, परवेश लाल यादव से भी मैं 2 फिल्म किया, हीरो टाइगर। उनके बाद अवधेश मिश्रा के लेके उनको भी हीरो बनाया, विलन प्रेम कहानी। उनके बाद गोलू के लेके भी किया, सुना ससुर जी, रितेश पांडे के लेके किया काशी विश्वनाथ, आस निशान खान नाम बोल के एक छोटा हीरो के लेके पिक्चर बना रहा हूँ। उनके बाद सेकंड इनिंग ज्यादा साल के बाद पाकी हेगड़े से मेरा कॉम्बिनेशन में पिक्चर कर रहा, बहुत मजा आ रहा। क्या है ना, पुराना हीरोइन है मेरा, बहुत खुशी बात है ये। वो पूछा मैं करेंगे हम लोग सेकंड इनिंग करेंगे बोले तो वो ठीक बोला, मैं करने को तैयार हूँ। अब जैसे डायरेक्टर पूछे तो मैं करेंगे, सब्जेक्ट भी ऐसे है ये। इसमें वो कर रहा है ये एक मेन रोल है, इनका साथ कर रहा साउथ हीरो शिवशंकर, उनका नाम ये है। ये सब्जेक्ट लिखा हूं आज भोजपुर का स्थिति सब लोग जानते हैं कैसे है ये, सब नीचे गिर गया इंडस्ट्री है। कम से कम अच्छा फिल्म किया तो लोग देखने का आएगा, थिएटर खराब है वो है सब लोग बोल रहा है, सच बात है ये। लेकिन हम लोग अच्छा किया तो लोग देखेगा। सर आपने साउथ के एक्टर को लिया है और एक भोजपुरी एक्टर को लिया है, एक्चुअली भैया इसमें क्या है ना, घंटा श्रीनिवास राव नाम बोल के प्रोड्यूसर था इसको, वेंकटेश्वर राव नाम बोल के दोनों पार्टनर है ये, वो लोग साउथ पिक्चर्स करते रहता। ये हीरो वो लोग का दोस्ती है, ये अच्छा दोस्त है। तेलुगु में शिवशंकर जी बहुत फिल्म्स किया, उधर नाम है उनको। एक दिन एक्चुअली मैं डायरेक्टर बन गया तेलुगु में, उसको कारण यही प्रोड्यूसर घंटा श्रीनिवास राव है ये ऑफिस के लेके। आप जैसा प्रोड्यूसर को इंट्रोड्यूस किया मेरे को, ये अच्छा डायरेक्टर है, डायरेक्शन दो, उनको वजह से मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। सर बहुत बड़ा प्यारा टाइटल है, प्रोडक्शन नंबर वन, प्रोडक्शन नंबर वन, ये टाइटल सुपर डुपर हिट ऐसा नाम ही है या प्रोडक्शन ही नंबर वन नहीं है? प्रोडक्शन नंबर वन आजकल क्या है ना, कितना टाइटल सोच लिए हम लोग, जाएगा उधर एक टाइटल बोल दिया तो टाइटल है ही रजिस्ट्रेशन में। स्थिति भोजपुर में बहुत बुरा है ये, सुपर भी टाइटल। ये जाना चाहूँ कि मतलब साउथ से बिलोंग करते हैं आप, साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का क्या मकसद रहा है आपको? एक्चुअली साउथ में मैं फिल्म किया हूँ, उनके बाद दिनेश लाल यादव को लेकर एक फिल्म किया, दर्शक लोग मेरे को बहुत रिसीव किया। उनके बाद दिनेश लाल यादव मेरे को नहीं छोड़ा, मैं दिनेश को भी नहीं छोड़ा, कंटिन्यू सब फिल्म हिट है, हिट हिट हिट। साल में 3 पिक्चर करो दिनेश जी, कभी पूछे तो भी डेट दिया, मैं भी उनका पिक्चर लेके खाया। उनके बाद क्या है, तेलुगु करने को टाइम नहीं मेरे पास ये। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कितना साल इधर काम किया, अभी तेलुगु क्यों मिस किया, आप पूछे ना, आज सोच रहा हूँ मैं। तो ये कहना चाहेंगे कि ज्यादा सहयोग आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से मिला है वहां के मुकाबले अगर देखा जाए तो? भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, नो डाउट एट ऑल, तेलुगु से बहुत बड़ा इंडस्ट्री है भोजपुरी, इसके लिए मैं इधर बैठी हूँ। खराब हो गया बोले तो हम लोग खराब कर दिया इंडस्ट्री को, कोई नहीं किया, हम लोग खराब कर रहा हूँ भोजपुरी का। कहना आज इतना नीचे गिर गया, बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई थिएटर को नहीं आ रहा देखने को बोले तो कारण कोई नहीं है, हम लोग हैं। सर साउथ के रीजनल इंडस्ट्री से आप बड़ा इंडस्ट्री मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को? करेक्ट है, साउथ से एक्चुअली सही बात बताया तो मैं इधर आके भोजपुरी करने के टाइम पर भोजपुरी छोटा नहीं, आज साउथ में सब बोलते भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, साउथ प्रोड्यूसर्स हीरो सब बोलते हैं भोजपुरी बड़ा है ये। क्या है ना, उधर रिटर्न्स है, इधर पैसा लगाए तो तेलुगु में रिटर्न नहीं आएगा। क्या है ना, 2 करोड़ 200 करोड़ का फिल्म बना रहा उधर, बड़ा बड़ा हीरोस बना रहा, आज छोटा फिल्म से चल रहा है। क्या है ना, वो लोग सब्जेक्ट का ऊपर बैठते है, सब्जेक्ट तैयार हो गए के बाद ये जमेगा लोग को, उनके बाद पिक्चर बनाते है, इधर ऐसा नहीं है। आज क्या है देखो, एक हीरो हो जाओ दूसरा हो जाओ, वो दोनों को ले लिया तो 10 लाख आएगा सैटेलाइट ऑडियो वीडियो, 15 लाख आएगा ऑडियो वीडियो, उसके ऊपर डिपेंड होकर
ये लोग पिक्चर कर रहा, प्रोड्यूसर हो जाओ डायरेक्टर हो जाओ, लेकिन ये सब्जेक्ट को ये हीरो बैठ रहा, नहीं तो मैच हो रहा नहीं हो रहा ये नहीं देख रहा। करेक्ट बात है, प्रोड्यूसर का बात तो सही है, क्या है ना पैसा लगा रहा, उनको पैसा रिटर्न चाहिए। साउथ के और जो प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस भोजपुरी आज साउथ लोग क्या कर रहा है ना, भोजपुरी ये दोनों साउथ वाले है, ये उनको विश्वास है अच्छा पिक्चर हम लोग बनाए तो लोग देखेगा, अच्छा नहीं बनाए तो कैसे देखेगा। सर आपसे आप क्या कहते हैं सर के बारे में और एडवोकेट के बारे में, आप सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खास वजह होगी इस पर्टिकुलर करने के लिए? ये सवाल मेरे लिए है तो सबसे पहले तो आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम, कैसे हैं आप सभी मेरे मालिक मेरे दोस्त। बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर सुब्बा राव जी, नाम ही काफ़ी है हमारे इंडस्ट्री में, खास करके तकनीकी रूप से जो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है और कलाकारों के साथ काम करते वक्त जो तजुर्बा इनके पास है और वो कलाकारों से आउटपुट लेते हैं, इस मामले में मैं समझता हूँ कि बड़े गिने चुने हमारे निर्देशक हैं इंडस्ट्री में। ये जो पीछे पोस्टर आप सभी देख रहे हैं, एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पे ये फिल्म बनने जा रही है। मैं बता दूं कि आदरणीय सुभाष सर के साथ ये तीसरी फिल्म है मेरी, इससे पहले दिलेर सुनो ससुर जी में काम किया था मैं इनके साथ। निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा मेरे मालिक मेरे दोस्त कि जब जब भी इनके साथ काम करने का सुनहरा अवसर मिलता है तब तक एक कलाकार के हैसियत से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और कहना चाहूँगा आखिरी में शुभकामनाएँ भी हैं हमारी और ईश्वर से दुआएं भी हैं कि पिक्चर बहुत अच्छा बने, खास करके इन्होंने फिर एक बार एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है हमारे भोजपुरी दर्शकों के लिए, एक साउथ के जाने माने स्टार और एक हमारे भोजपुरी के उगते हुए सूरज दोनों साथ हैं, उसमें अभिनय की महारानी पाखी हेगड़े जी और भी तमाम हमारे संजय वर्मा उग्रा भाई लोग काम कर रहे हैं। तो एक कलाकारों का एक जो इन्होंने समूह तैयार किया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मेरे मालिक मेरे दोस्त मजा आएगा इस फिल्म को देख के। तो आइए आप सभी से अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो पिक्चर बन रही है, आप सभी इस पिक्चर के लिए दिल से अपना दुआ आशीर्वाद दुलार प्यार बनाए रखिएगा मेरे मालिक मेरे जरूर चाहिए।